जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन वास्तु शास्त्र में एक बार फिर नई वीडियो के साथ। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं तुम्हारा हनुमान आज तुमसे बात करना चाहता हूँ। आज मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारा समय चाहिए, इसलिए मेरे बच्चे तुम्हें आज अपना थोड़ा समय निकालकर मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, ताकि मैं तुम्हें वह सब कुछ दे सकूं जो तुम्हें देना चाहता हूँ। इस बार का संदेश तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आया है। कल सुबह जब तुम सोकर उठोगे तो उस समय तुम्हें अपने अंदर बहुत सारे बदलाव दिखेंगे जो मैं आज तुम्हें देने आया हूँ। इसलिए तुम्हें आज मेरे द्वारा उन सभी चीजों को स्वीकार करना है जो संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। यदि तुम इसमें सफल हुए तो आज रात्रि में तुम्हें मेरा स्वप्न अवश्य आएगा। अगर आप भी मुझ में विश्वास रखते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं तुम्हें वह पहला कदम बताने वाला हूँ जिसे उठाने के बाद तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और तुम्हें वह सब कुछ चीजें अपने जीवन में आसान लगने लगेगी जो इस समय तुम्हें बहुत कठिन प्रतीत होती हैं। और यह तभी संभव है जब तुम मुझसे आज बात करोगे। मैं तुम्हारे आसपास हूँ, मुझे ध्यान से देखो। तुम जिस धन के लिए अपने जीवन में तरसते हो उसे भी आज मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, क्योंकि यह तुम भी जानते हो जिस पर हनुमान जी की कृपा होती है उस पर धन सुख संपत्ति सब कुछ सदा बना रहता है। और आज मैंने तुम्हें चुना है अपने उस उद्देश्य के लिए जो तुम्हारे जीवन को सदा अच्छाई की ओर लेकर जाएगा। आज मुझे निराश करके मत लौटना। मैं बड़ी आशा के साथ तुमसे बात करने आया हूँ और मुझे यह विश्वास है कि तुम मुझसे आज अवश्य बात करोगे। इस संदेश के माध्यम से ही मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, इसलिए अब मेरी बातों को बीच में मत छोड़ना और इस संदेश को सुनते वक्त अपनी दोनों आँखों को बंद करके मेरा ध्यान अच्छे से करना। मैं तुम्हें अवश्य नजर आऊँगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम परेशानी में हो तो तुम्हारे प्रभु को पता नहीं? मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हर एक चीज को जानता हूँ। मुझे पता है तुम इस समय बहुत अधिक परेशान हो, किंतु हर परेशानी का हल निकल जाता है। इसलिए मैं तुम्हें सारी परेशानियों से बाहर निकालने के लिए कुछ उपाय बताऊंगा जो तुम्हें करने हैं, और इन्हीं उपायों से तुम बाहर निकल सकते हो। अगर आप हनुमान जी में विश्वास रखते हैं तो जय श्री राम टाइप करें। जीवन बहुत बड़ा है, लेकिन तुम्हारे कार्य जो तुम करते हो वह बहुत छोटे हैं। तुम्हें अपने उज्जवल जीवन को बनाने के लिए अपने कार्यों को भी बड़ा करना होगा। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने जीवन में किस प्रकार के कार्य करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने की सोचते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन के भीतर ही वह सारी चीजें हैं जो तुम यदि चाहो तो पूर्ण कर सकते हो, परंतु उसके लिए तुम्हें खुद को समझना होगा। जब तक तुम स्वयं को नहीं समझोगे तुम इस संसार की किसी भी चीज को नहीं समझ सकते। तुम्हारे लिए छोटी से छोटी चीज भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है।
क्योंकि छोटी चीजों से ही हर चीज की शुरुआत होती है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे एक छोटा सा कदम आगे चलकर तुम्हें कामयाबी की ओर ले जा सकता है, इसलिए अपने पहले कदम को उस ओर मोड़ लो जहां पर केवल कामयाबी है। तुम्हारी कामयाबी ही तुम्हारी असली पहचान दिलाती है। मैं जानता हूँ इस समय तुम जिन परिस्थितियों में हो उन परिस्थितियों से बाहर निकलना मुश्किल है। तुम्हारे जीवन में जैसे ही एक परेशानी समाप्त होती है वैसे ही दूसरी परेशानी शुरू हो जाती है, परंतु यह जो चक्र तुम्हारे जीवन में चल रहा है उस चक्र का अंत करना तुम्हारे लिए अनिवार्य है। जीवन की राह कठिन जरूर होती है, परंतु उस पर चलने वाला व्यक्ति यदि अपने मन को स्थिर करके आगे निरंतर कार्य करता रहे तो एक पल ऐसा आता है जब यही सारी परिस्थितियां इंसान को मजबूत बना देती हैं। मेरे बच्चे, मैं हनुमान हूँ। मेरा काम तुम्हारे हर कार्य को सिद्ध करना है, परंतु तुम्हारा कर्तव्य यह है कि तुम अपने कार्य को अच्छे प्रकार से करो। अगर आप हनुमान जी में विश्वास रखते हैं तो जय श्री राम टाइप करें। दुख सुख तो आते रहेंगे, लेकिन यदि तुम इन दुख या सुख के चक्कर में अपने जीवन को स्थिर कर लोगे तो उस समय तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, दुख तुम्हारे जीवन में तुम्हें बहुत सी चीजें सिखा कर जाता है और सुख तुम्हारे जीवन में तुम्हें गलत कार्यों की ओर बढ़ने से रोकता है। दुख से केवल तुम्हें तकलीफ होती है और सुख से तुम्हें शांति मिलती है, इसलिए सदा अपने जीवन में दुख या सुख होने पर अपने आप को स्थिर मत बनाओ। मेरे बच्चे, यह जीवन गतिशील रहना अनिवार्य है। एक बात का विशेष ध्यान रखना, तुम्हारा समय निर्धारित है क्योंकि तुम्हें यह मानव जीवन एक निश्चित समय के लिए प्राप्त हुआ है। यदि तुम इस निश्चित समय में अपने मानव जीवन से वह सारे अच्छे कार्य कर लो जो तुम्हारे जीवन में सुख और आनंद को भर देंगे, तो मेरे बच्चे तुम अपने जीवन का सही उपयोग करके इस मानव शरीर से सुख की प्राप्ति कर सकते हो। परंतु यदि तुम अपने इस समय को ऐसे ही व्यर्थ कर दोगे तो तुम्हारा यह जीवन सदा के लिए बेकार चला जाएगा। अब तुम्हें फैसला स्वयं करना है किस प्रकार का जीवन चाहिए। तुम हमेशा यह याद रखना कि तुम्हारा जीवन सदा अच्छा रहा है, लेकिन तुमने अपने गलत कामों के चलते अपने जीवन को दुखों की ओर मोड़ दिया है, इसलिए अब तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने तुम्हें वह राह बता दी जिस पर चलकर तुम कामयाबी हासिल करोगे। लेकिन एक बात का ध्यान अवश्य रखना मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखना बल्कि आगे बढ़ते चले जाना है, क्योंकि तुम्हारे बढ़ते कदम ही तुम्हारे जीवन को बदलने में तुम्हारी सहायता करेंगे। कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करें तो उसकी बातों में मत आना। तुम्हें बस अपने लिए अब सोचना है और आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारी सारी खुशी सारी हंसी अब तुम्हारे जीवन में तुम्हारा स्वागत कर रही हैं, उसका आनंद उठाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, खुश रहना सदा, यही तुम्हारे प्रभु का आशीर्वाद है तुम्हें।
अगर आप हनुमान जी में विश्वास रखते हैं तो जय श्री राम टाइप करें। हमें उम्मीद है वीडियो पसंद जरूर आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख देना।